तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक पे एक न्यू अपडेट आ गया है जिसका नाम है फेसबुक रूम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि फेसबुक रूम क्या है। फेसबुक रूम की मदद से हम एक साथ 1 से 50 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसको लॉन्च इसलिए किया गया, मैं अपने हिसाब से समझता हूँ, जब कोविड का भी टाइम चल रहा है तो इस टाइम लोग अपने घर में ही रह रहे हैं, तो इसके सहायता से 50 लोगों के साथ कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं बात। तो फेसबुक रूम को क्रिएट कैसे करना है और इसमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करना है आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ रंजन जसवाल, आपका हमारा चैनल रंजन जे टेक में स्वागत है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फेसबुक रूम का यूज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना फेसबुक अपडेट कर लेना है। अगर आपका फेसबुक अपडेट नहीं है तो आपके पास ये फीचर्स नहीं आएगा। तो आपको अपना प्ले स्टोर से जाकर फेसबुक अपडेट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक मिल जा रहा है यहाँ पे क्रिएट रूम और साथ में यहाँ पे एक रूम का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो हम दोनों पे किसी पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्रिएट रूम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रूम एक्टिविटी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अपना कोई न्यू मतलब कि नया नेम दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे रंजन रूम पे क्लिक करेंगे। तो रंजन रूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। और दो नंबर पे आपको दिख रहा है हु इज इनवाइटेड, तो ये इस पर क्लिक करना है। और आप चाहते हैं कि अब सिर्फ अपना फ्रेंड्स के साथ ही बात करना है तो आपको ये फ्रेंड्स पे करना है। और आप चाहते हैं कि आपके जो फेसबुक फ्रेंड नहीं उसके साथ भी अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेसिफिक पीपल पे क्लिक करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका फ्रेंड भी नहीं है वो भी आपके साथ ज्वाइन करके बात कर सकता है। तो हम अपना फ्रेंड पे इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट टाइम, तो इस पर हमें क्लिक करना है। आप कितने बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना डेट डाल देंगे और यहाँ पे अपना टाइम ऐड कर देंगे। तो इसको हमें सेव करने के बाद हमें क्या करना है, क्रिएट रूम पे क्लिक करना है। जैसे हम क्रिएट रूम पे क्लिक करेंगे हमारा क्रिएट रूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जितने लोगों को हम अपना लिंक शेयर करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमें डन कर देना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से हम इसको पोस्ट कर सकते हैं, जो भी चाहे आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमें किसी के साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन रूम पे क्लिक करना है और यहाँ से मैसेंजर ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंसिंग है, चालू हो गया है। तो यहाँ से हम लोगों को इनवाइट कैसे करें, तो यहाँ पे शेयर लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको मैसेंजर पे क्लिक करना है। तो मैसेंजर पे आने के बाद हम जिन लोगों के पास अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो उन लोगों के पास ये लिंक हम शेयर यहाँ से सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद उनके पास लिंक जाएगा और वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ वो जुड़ सकते हैं। तो ऐसे आप किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कटिस का चिन्ह दिख रहा है तो इस पर हमें क्लिक करना है, यहाँ से हमें लीव हो जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉल एंडेड। तो ऐसे आप किसी के साथ अपना चैट रूम कर सकते हैं। तो फेसबुक पे यही अपडेट आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।